बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की कुछ पंथ प्रवर्तक आचार्यों का मानना है कि आत्मा से जगत की अनुभूति होती है। बिल्कुल यह मिथ्या चीज है। आत्मा में जगत की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। ये तो जगत मन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इस पर बड़े बड़े अलग अलग विचार हैं दुनिया के अंदर। किसी भी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आत्मा से इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो निर्लेप है। आत्मा में संकल्प विकल्प नहीं है। जो जगत की उत्पत्ति आत्मा पंच भौतिक तत्वों से परे है। आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती है। आत्मा की जो व्याख्या है उसके अनुसार जगत की उत्पत्ति आत्मा से कहीं से भी नहीं है। अत्यंत आश्चर्य की बात है कि लोग आत्मा के माध्यम से जगत की उत्पत्ति मान रहे हैं। नहीं, ये धारणा मिथ्या है। आत्मा संकल्प विकल्प से परे है, मन बुद्धि चित्तहंकार से परे है, दसों इंद्रियों से परे है। तो फिर आत्मा से कैसे उत्पत्ति हो सकती है जगत की? जगत की उत्पत्ति और प्रवर्तक तो मन है। इसलिए साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक बात कही है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। अब यहां एक बात और कह रहे हैं कि आत्मतत्व की प्राप्ति के लिए आखिर उद्यम क्या है, जरिया क्या है, साधन क्या है? बस यहां मना निग्रह ही तो कहा गया ना, सभी तो मना निग्रह की बात भी तो कर रहे हैं ना। बात मिली जुली कंट्राडिक्शन, बात में विवाद नजर आ रहा है। क्यों बिन देखे उस देश की बात करे सुकूर, आप तो खारी खात है बेचत फिरे कपूर। जो हमें समय का आभास होता है, ये आभास भी केवल मन के द्वारा होता है, कल्पनाओं के द्वारा होता है। इस तरह आत्मा में दिन रात नहीं है, समय नहीं है। अभी मुझे सत्संग किए 1-1.5 मिनट हुआ, आपने भी अनुभव किया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे सत्संग प्रारंभ किए कितना समय हुआ, तो आप भी बताएंगे 2-3 मिनट। आपने ये मूल्यांकन समय का कैसा किया? तथ्यों से कि 1 मिनट में इतनी बात होती है, इतना इंसान बोल सकता है। आपने इन्हीं तथ्यों का संकलन करके ही तो कहा ना। इसका मतलब है समय भी जो है, आत्मा समय से परे है। मैंने इसका उदाहरण कई बार दिया है, समय तो काल है, काल मन है। इसलिए अगर पूरे जीवन को आप देखना चाहेंगे तो चिंतन करके देख सकते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया, एक मेरे सत्संगी ने मुझे एक हार्ड डिस्क दी छोटी। मुझे कहा गुरुदेव आपने जितने भी भजन गाए हैं, आपने जितने भी प्रवचन किए हैं, आपने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, सब इसमें हैं। मेरी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए आप पता नहीं कब शरीर छूट जाए, आप इसको सुरक्षित रखना, इसमें सब कुछ है। आप देखा ना, इस तरह मन की पूर्णता से ही जगत का अभाव होता है। मैंने इस विषय पर कई बार पहले भी कहा। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, जब राम जी ने कहा कि ये जगत पूरा दुखों का घर है, पता है वशिष्ठ मुनि ने जब ये कहा कि हे राम तुम किस जगत की बात कर रहे हो, जगत तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। राम जी आश्चर्यचकित हुए कि हे गुरुवर कैसे ये सब प्रत्यक्ष में यथार्थ दिख रहे हैं। बोला नहीं हे राम, ये सिर्फ मन की सुपर्णा है। यही बात तो नानक देव जी भी कह रहे हैं ना, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कस साचो नहीं नानक साची मान। जगत ठीक वैसे ही आभास होता है जैसे हम स्वप्न में देखते हैं। महल दिखते हैं, तलवारें दिखती हैं, लोग दिखते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, समुद्र देखते हैं, नाना पदार्थ देखते हैं, वो सब नित्य लगते हैं। जागृत अवस्था में पहुँचने के बाद उनका कोई अस्तित्व और अभीष्ट नहीं रहता है। वह कुछ भी बाकी नहीं रहा, उनका बाकी कुछ भी नहीं रहा। वाह, जब बाकी कुछ भी नहीं रहा तो इसका मतलब है कि वो स्वप्न था। इस तरह इस संसार को स्वप्नवत कहा, ये मन की पूरी कल्पना है, मन की कल्पना है। यहाँ साहब फिर एक बात की पुष्टि कर रहे हैं,
मन का पसारा रोक ले, सब सब तेरे पास। मन की सहचरणियाँ क्या हैं? जिस तरह हम चलते हैं तो हमारे पाँव में 5 उंगलियाँ हैं, उंगलियों में 3 फोल्ड हैं। चलने के टाइम हम उससे ज़मीन पकड़ते हैं, हाथों से हम काम करते हैं। इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं, सबसे बेहतरीन हाथ मनुष्य के हैं। हाथी सुई में धागा नहीं परो सकता, शेर नहीं परो सकता, ये मनुष्य सभी काम करने में सक्षम है। इसी तरह से मन के हाथ ये स्थूल शरीर के हाथ है। साहब का ये शब्द कितना सटीक है, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। साहब कह रहे देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। तो ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है, और मना निग्रह के बाद जो अभीष्ट रहता है वही आत्मा है, वो आत्मा है। इसका मतलब है, और मन की कल्पना रोके नहीं रुकती है, बड़ा चंचल है मन। अगर आप और परमात्मा के बीच में कोई आवरण है तो वो सिर्फ मन का है। यहाँ साहब ने एक शब्द बड़ा साफ कहा, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। यहां कह रहे हैं आत्मा इस मिथ्या जगत का बीज नहीं है, आत्मा से जगत उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि वह तो सर्व कल्पनाओं से रहत शुद्ध द्वैत रूप है। जिस प्रकार बांझ स्त्री के संतान नहीं होती, उस प्रकार आत्मा से जगत हो ही नहीं सकता। अब हमें इस तथ्य को बिल्कुल भी एकाग्र होकर के चिंतन करना पड़ेगा, सही संसाधन क्या है। अंधकार की निवृत्ति का एक ही संसाधन प्रकाश है। आत्मा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अज्ञान की निवृत्ति की जरूरत है, इसलिए कहा आत्मज्ञान सम ज्ञान नान। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। जितने भी मतमतांतर के लोग हैं, आचार्य हुए, सभी तो ध्यान कह रहे हैं ना, ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। ध्यान क्या है? ध्यान आत्मा है। जब ये आत्मा हमारी कल्पनाओं में और मन के संग चली जाती है, तो उस स्थिति में ये संसार के पदार्थों को नित्य मानने लगती है, यथार्थ में इन पदार्थों का अस्तित्व ही नहीं है। और इन अब यहाँ क्या हुआ, ये सजीव किससे हुए? ये सजीव हो गए आत्मा की ताकत से। इसलिए मैंने यूं भी कई बार कहा है, आत्मा शरीर के अंदर नहीं है, आत्मा शरीर से बाहर भी नहीं। अगर आत्मा शरीर के अंदर होती तो आत्मा तो कैद हो गई। आत्मा प्राणों को धारण कर लेती है, देही का अस्तित्व तो प्राणों से ही आभास होता है ना। जब मनुष्य चला जाता है, 2-3 दिन में शरीर गल सड़ जाता है, दुर्गंध आने लगती है, और अक्सर लोग कहते हैं कि प्राणों को यमराज पकड़ के ले गया। आत्मा ने प्राणों को धारण कर लिया, बस। वेद का श्लोक है, प्राणेन धरेत जीवेशु, बस यही। आत्मा प्राणों को धारण करने के कारण ही शरीर बन गई। वाह, अब सुमरण का महात्म क्या है पता है? आत्मा को प्राणों से निकालना है, सिर्फ प्राणों से ही नहीं निकालना है, कुछ प्राणों से निकालना है, पर आगे बढ़ना है। फिर आत्मा को प्राणों से निकालना साधारण कार्य नहीं है, पर सहज है। साहब ने सहज मार्ग क्यों कहा, आइए। जैसे योगी लोग अमरत्व की कल्पना करके ये कह रहे हैं, योगी लोग किसी को मानते नहीं है, अपना अभीष्ट और इष्ट वो शिवजी को मानते, किसी देवी देवता को योगी लोग नहीं मानते। वो कह रहे हैं योग करके अपने अंदर की ताकत को जगाओ। वाह, यही तो महात्मा बुद्ध ने भी अपने शिष्य आनंद से कहा, हे आनंद, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तुम उसे जगाओ। इसलिए महात्मा बुद्ध के शब्दकोश में परमात्मा नाम का शब्द नहीं है। आप पूरा अष्टांग योग का अध्ययन करें, उन्होंने कहीं परमात्मा का उल्लेख ही नहीं किया है।
उन्होंने सिर्फ आत्मा को ही सर्वोपरि बोला। लेकिन आपको प्राणों से आत्मा निकालना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, हो जाता है। पर उससे भी मनुष्य सिर्फ प्राणों से निकलने से मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके बाद मन है, मन से ही तो निकलना है ना। अब मन से कैसे निकले? मन से निकलने के लिए यूं है, जब आप संकल्प विकल्प से परे हो जाते हैं, क्रियाओं से परे हो जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे हो जाते हैं, तब आप जो अभीष्ट बचता है वो आपका आत्मस्वरूप है। लेकिन उसमें बाधक मन है, इसलिए आपको एक बूस्टर की जरूरत पड़ेगी, आपको एक ताकत की जरूरत पड़ेगी। उस ताकत के बिना आप मन से कहीं भी नहीं निकल सकते, ये सिद्धांत अपेल है। तभी तो गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं ना, घृत बर मिले बारी के मथते, बार पानी को कहते, सिकता से बरुतेल, सिकता रेत को कहते हैं, बिना प्रभु भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। अब यहाँ लक्ष्य क्या है, सहज मार्ग क्यों साहब कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं पहले तो आत्मा को प्राणों से निकालना है। प्राणों से निकलने के बाद सब कुछ नहीं हुआ। जैसे हम दूध से पहले मक्खन निकाल लेते हैं, वो दूध की पराकाष्ठा नहीं है, फिर हम उसे उठा करके शुद्ध घी करते, क्योंकि उसमें फिर भी हमने मथा तो सही ना, दही को मथा, मक्खन निकाला सार, लेकिन मक्खन में भी तो छाछ है ना, मक्खन में भी तो खोट है ना। इसी तरह प्राणों से निकलने के बाद भी तो खोट है ना, मन तो है ना। अब मक्खन को थोड़ा टाइम रखें फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि माताएं काफी घी चढ़ाती है आश्रम में। कैसा करती हैं? कुछ कुछ माताएं थोड़ा घी को ज़्यादा जला देती हैं, तो घी का स्वाद खत्म हो जाता है। कुछ फिर क्या करती है, कच्चा रख लेती है। जब घी कच्चा रखती है, थोड़े दिन बाद पूरा घी दूषित हो जाता है। हालांकि घी जल्दी दूषित होने वाला नहीं था, वो तो सार था दूध का, लेकिन मट्ठे के संसर्ग के कारण वो दुर्गंध युक्त हो गया। तो फिर मैं क्या करता हूं, देखा ना, घी तो लंबा चलना था, दो दो मेरे गुरुदेव वैदिक पद्धति को अच्छी तरह जानते थे, वैद्य भी थे, वो क्या करते थे, चार चार पांच पांच साल पुराना गाय का घी रखते थे। कितना भी भयंकर सर में दर्द हो, उसकी मालिश करने से पुराना गाय का घी जितना हो उतना उसकी ताकत बढ़ जाती है, वो सर दर्द हट जाता था। अब लेकिन जिस घी में छाछ है, घी खराब नहीं हुआ, छाछ खराब हो जाएगा। जब वो खराब होता है तो पूरा घी दूषित सा अनुभव होने लगता है। बस इसी तरह चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब। जब तक आत्मा मन के दायरे में है, कभी भी शांति नहीं हो सकती है। मैंने मृदगल ऋषि का वृतांत भी बताया कि स्वर्ग में फिर क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, उसने स्वर्ग को स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार आत्मा चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे ब्रह्मलोक में जाए, चाहे देवलोक में जाए, चाहे कहीं भी जाए, चार मुक्तियों को प्राप्त कर ले, वहां सुरक्षित नहीं है। जब तक आत्मा अपने मूल तक नहीं पहुंचती, ये सिद्धांत और थ्योरी साहब की है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं घमंडी नहीं हूं, सुनिए। पुस्तकों का अध्ययन तो मैं बाद में किया, साक्षी के रूप में लेता हूं। उस सत्ता तक पहुंचने के लिए तो सबको बाइंड अप करना पड़ता है, सबको भुलाना पड़ता है, मैं क्या हूं ये भुलाना पड़ता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भुलाना पड़ता है, उनको सीज करना पड़ता है। इसलिए कोई अगर सोचे कि मैं इनके माध्यम से परम तत्व की प्राप्ति कर सकता हूं विद्या के माध्यम से, कभी नहीं। इस पर साहब ने बड़ा साफ साफ कहा, लेकिन मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूं। प्ले वे से बच्चे को थोड़ा एक रास्ता मिलता है आगे कायदे में पहुंचने का, इसलिए पहले शुद्ध चिंतना और शुद्ध बुद्धि के लिए शिक्षा आवश्यक है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ शिक्षा के बल पर परम तत्व की प्राप्ति करूं, नहीं हो सकता है। वहां तो सब कुछ भुलाना है, अपने अस्तित्व को जब भुलाना है तो बात खत्म है वहां पर, वहां कैसी शिक्षा है पहले। इस तरह से साहब ने अपने शब्दों में बड़े बारीक रूप से कहा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ।
किसी भी कोण से मैं अहंकार नहीं रखता हूं। अहंकार अज्ञान का द्योतक है, अहंकार अज्ञान से उत्पन्न होता है, इसलिए मैं अहंकार नहीं रखता हूं। मैं देखता हूं, काफी मत मतांतर उस लोक की बात और व्याख्या देते हैं, घमंडी नहीं हूं, व्याख्या गलत मिलती है। ठीक वैसे ही अगर आप बंबई को या यूरोप गए, कहें यूरोप में बहुत समतल जमीनें हैं, बहुत सुंदर सुंदर वो ग्राउंड से बहुत बड़े बड़े, नहीं, यूरोप दरअसल पहाड़ों में है। यूरोपीय काफी देश मैंने देखे, कहीं थोड़ी थोड़ी सी समतल जमीन है तो वहां व्याख्या थोड़ी अवरुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार जब वहां की व्याख्या करते हैं तो मुझे आभास होता है इन महान भावों के पास में प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। यहां साहब कह रहे हैं, बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़, आप तो खारी खाते है बेचत फिरे कपूर। इसका यहां मेरा अभिप्राय आज के प्रवचन का यह है कि अगर हमें हमारे लिए बाधा कोई है तो वो मन की है, और ये जगत मनाभास है, आत्माभास नहीं है। आत्मा की ये गलती है कि अपनी ऊर्जा से इन सबको चेतन किए हुए हैं। इस सिद्धांत को तो हम सर्वमत से स्वीकार करते हैं कि आत्मा की ताकत से ही ये शरीर संचालित होता है, पर जब किसी से पूछो तो वो कैसे शरीर संचालित होता है इसकी व्याख्या भी ठीक से नहीं दे पाते। आजकल पता है अध्यात्म कौन लिख रहा है? अध्यात्म लिख रहे शिक्षित वर्ग, ठीक है। भावना का आदान प्रदान करना शिक्षा है, वो तो हम उसका खंडन नहीं कर, अनुभव नहीं है उनके पास। वो कहे कभी ये अंधेरे का हाथी, आंखन की देखी ना कहे टोही टोही जान, वो आंखों से देखे नहीं है, टो करके अंधों ने हाथी को देखा था, टो करके, किसी ने टांग पकड़ी तो किसी ने पीठ पकड़ी तो किसी ने दांत पकड़ा तो किसी ने कान पकड़ा तो किसी ने कुछ पकड़ा। जब वो आपस में व्याख्या देने लगे, चाहे उन्होंने सब चीज भी देखी, अलग अलग व्याख्या दे रहे थे, लेकिन जिसने देखा था उसने साफ कहा, वो आपस में लड़ रहे थे, अपनी बात को स्थापित कर रहे थे, तो जो सही में देखने आंखों वाला था उन्होंने कहा, अरे भाई सूरो लड़ो मत, तुम सब ठीक कह रहे हो, हाथी के दांत तलवार की तरह, हाथी के कान सूप की तरह, हाथी की पूंछ झाड़ू की तरह, हाथी की पीठ दीवार की तरह, हाथी की सूंड अजगर की तरह, हाथी के दांत तलवार की तरह, ये सब उसके अंग हैं। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, जब वो व्याख्या देते हैं तो अपना पुट मिला देते हैं। साहब यहां तंज कसे हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे होई, तेरा मेरा मन कैसे एक हो सकता है, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। भाई मैं साहब कह रहे मैं आंखों में देखी बोला, और राइटर जब भी कुछ लिखता है तो कुछ ना कुछ उसमें समावेशन करता है, आपको एक उदाहरण देता हूं। आप ये 10 किताबें देख रहे हैं, आप देखिए क्रमबद्ध रूप से ये 10 पुस्तकें हैं। ये क्या है 10 पुस्तकें, मैं उदाहरण देता हूं। ये 10 पुस्तकें एक संकलन है, जो मैं लाइव प्रोग्राम दे रहा हूं पिछले 2 साल से उसका संकलन है, पूरा नहीं। इसको कौन संग्रहित किया, एक वकील साहब है भोपाल के, अच्छे हैं, काफी इंटेलिजेंट भी है, एक लड़का उनका सहयोग देता है। अब मुझे ये क्यों पढ़ना पड़ता है, फिर मैं इसकी स्टडी करता हूं, ऐसे नहीं छपाता हूं। संभवतः उनके पास में प्रत्यक्ष सतलोक की और उस जगह की स्थिति का ज्ञान नहीं है, मैं उन्हें बौना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनमें एक पंथ को आगे बढ़ाने के लिए पुस्तक एक आवश्यक चीज है, उनका संकलन करते, मेरे पास इतना समय नहीं है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, ये सब वो पुस्तकें और भी वो लिख रहे हैं।
अब इसमें क्या होता है, कहीं कहीं वो अपने विचार रख देते हैं, वो विचार यथार्थ से कहीं दूर होते हैं, उनका दोष नहीं है, वो तो बुद्धि से लिखेंगे ना, वो अनुभूति नहीं है। मेरे कहने का प्रयोजन क्या है, बिन देखे उस देश की बात करे सुकूर, हालांकि आप तो खारी खाते बेचत फिर कपूर। इस तरह अगर वर्तमान में सबसे बड़ा व्यवहार देखना चाहते हो तो भक्ति क्षेत्र है। आप कहेंगे हाँ, वो सबसे बड़ा व्यवहार है। भारतवर्ष के अंदर ही 15 करोड़ लोग केवल भगवान के नाम, ईश्वरीय चीजें, धामों आदि के नाम से जीव का उपार्जन करते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दुनिया के 7-8% लोग समुद्र पर रोटी खाते हैं, समुद्र में से। कोई शिप का काम करता है, कोई मछलियां पकड़ता है, कोई और कार्य कर रहा है, कोई मालवाहक जहाज चलाता है। इसका मतलब है दुनिया के 7-8% लोग समुद्र पर जीते हैं। इसी प्रकार आज ये सबसे बड़ी बिजनेस है। मैं आपको इसका जीवंत उदाहरण देता हूं। आप नेट पर जाकर देखना मेरे भजन और मेरा सत्संग, मेरी बातें, कुछ लोग अलग उससे अपने ओर से संग्रहित करके शो करते हैं। क्यों? उनको पता है जब काफी व्यूवर हो जाते हैं तो फिर गूगल उनको कहते हैं भाई आप हमसे जुड़ो, उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। इस तरह ये भक्ति क्षेत्र ऐसा है जिसमें घाटा नहीं है, इसमें बिल्कुल घाटा नहीं है। बाकी सब व्यापार में घाटा है, इसमें लागत भी नहीं है। बस इस तरह से काफ़ी काम चल रहा है। नेट पर काफ़ी भीड़ हो गई है अभी, ये तो मैंने 20 साल पहले भी कहा था, ये मैं ईर्ष्यावश नहीं कह रहा हूँ। इस तरह से साहब ने ये तंज कसा, तेरा मेरा मनवा कसे कोई रे। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मस कागज में छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों युग का महात्म मौखिक जनाई बात। आत्मा की वृत्ति में ज्ञान भी समाविष्ट है, जैसे हमारे शरीर के की पंच भौतिक वृत्तियां हैं, छित जल पावक गगन समीरा। इस तरह हमारी आत्मा में भी एक चीज है, ये अविनाशी इमर्टल है। दूसरा, ये ज्ञान में है, चेतन है। तीसरा, सहज, इसमें छल कपट नहीं क्योंकि मन का अभाव है। चौथा, इसमें आनंद है। पांचवा, इसमें कोई दोष नहीं है, अविनाशी है, चेतन है, ज्ञान में है, उसमें कोई विकार नहीं है, सहज है और आनंदमयी है। ऐसी आत्मा अब उलझन में है, ये आत्मा की वृत्ति है। इसी प्रकार से हमारे मन की अलग वृत्तियां, आत्मा ने मन को धारण किया है, आत्मा ने मन को धारण किया, तो अभी क्या हो रहा है, वो लोग वैसे लिख रहे हैं, उठपटांग भी लिख रहे हैं, अपनी TRP बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ साहब ने तंज कसा, अब जब मैं उन चीज़ों को देखता हूँ तो वो वहाँ से मेल नहीं खाती है। अब कुछ लोग स्विट्जरलैंड के लिए पढ़े, अच्छा है, पर स्विट्जरलैंड नहीं देखा है। दुनिया का सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड माना जाता है। लोगों ने ये सुना है वहाँ अच्छी झीलें हैं, बिल्कुल है, मनोरम दृश्य है, बिल्कुल है, और हरे भरे पर्वत है, बिल्कुल है, खूब झीलें हैं। अकेले स्विट्जरलैंड में हजारों झीलें हैं, बड़ी रमणीक झीलें हैं, मौसम अच्छा है, ये सब कहा, लेकिन जो वहां नहीं गया उसकी पूर्ण और यथार्थ स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता। उसमें खूबी क्या है पता है? जो वहां गया वो देखता है वहां पर एक सुकून मिलता है, हेल्थ को, ब्रेन को, ये इतने सहज हो जाते हैं, प्रदूषण बिल्कुल जीरो,
है, ये तो वही अनुभव करेगा जो वहां पर गया। अब यहां उस लोक की बात भी साहब क्या तंज कस रहे हैं, बिन देखे उस बात देश की बात करे सुकूर, आप तो खारी खाते हैं बेचत करे फिर कपूर। इस तरह व्याख्याकार आमतौर पर देखना पुस्तकों के लिखने वाले सब शिक्षाविद है, शिक्षाविद है आत्मविद नहीं है। तो क्या मैं उनका खंडन कर रहा हूँ? क्या मैं अध्यापक हूँ खुद, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूँ। भावनाओं का आदान प्रदान ही शिक्षा का लक्ष्य है। आदमी शिक्षा से क्या धारण करता है? जो कुछ उसने अध्ययन किया वही तो धारण करता है, सो अनुभूति कुछ नहीं होती है उसमें। आइए, लेकिन आत्मज्ञान सम ज्ञान ना आना, जब आत्म कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया सब जाना, जाना ज्ञान अजान। आत्मा को जानने के बाद कुछ अभीष्ट नहीं रह जाता है जानना, उसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। ऐसी क्या खूबी है आत्मा में? वो यथा आत्मा की व्याख्या, आत्मा के विषय में अरबों खरबों ग्रंथ लिखे गए, वो पर्याप्त नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन आत्मज्ञान के बाद वो सब चीज़ें वो सर्वज्ञाता हो जाता है। कैसे? उदाहरण देते हैं, कोई आपको नॉर्थ ईस्ट की स्थिति, भौगोलिक स्थिति पूरी पढ़ाता रहे, 100 साल तक भी पढ़ाता रहे, आप उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए साहब तो यहाँ वाणी में एक बात साफ कह रहे हैं, कहन सुनन से निहरा है, कहा न जाए लिखा न जाए, आदि वाणियाँ जो साहब की हैं वो सचेतक हैं। इस तरह से एक जब खास बात क्या होती है, जब वो सत्ता में मिलता है उसके पास पारसुरती हो जाती है। पूर्ण गुरु का महात्म यहाँ यही बोला गया है, मन ऐसे नहीं काबू आएगा, कोट जत्न से मन नहीं माना। भैया मन ऐसे नहीं काबू आएगा, आप देख नहीं रहे इतने बड़े बड़े तपस्वियों ने घोर तपस्याएं की, मन क्यों नहीं काबू आया? इसके पांचों जो हाथ हैं, हमारे हाथ की ताकत उंगलियां हैं, उंगलियां हैं, इसकी उंगलियां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, और इसका स्वरूप मन बुद्धि चित्त अहंकार है। इसलिए आप अनुभव कर सकते हैं, ये किसी भी प्रकार से इंसान के अपने प्रयास से कभी भी बस में नहीं हो सकता है, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटिन करे उपाय। जब एक ऊर्जा उसको वहां मिल जाती है गुरु के द्वारा, अब यहां वो इस अस्तित्व को ही कुछ लोग अस्वीकार कर रहे हैं, सर्वमान्य भी है। यानी सीधी बात है, मन से कोई पार ना पाए, मन पर कोई विजय प्राप्ति नहीं कर सकता है बिना तुलसी, बिना कर्म किसी मुर्शिद रसिक के। एक पूर्ण गुरु के बिना मनुष्य कभी मन को नियंत्रण नहीं कर सकता। एक उसको ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा अदृश्य ऊर्जा है, जैसे वनस्पति जगत को सूर्य से निरंतर ऊर्जा मिलती रहती है, पर वो ऊर्जा आदमी देखता नहीं। अनुभव आपको अनुभव कर सकते हैं, आप विशाल का एक वृक्ष जिसमें बहुत हरा भरा है ओवर शेड कर दो उसके ऊपर, 15 दिन में सूख जाएगा। इस तरह कहत कबीर, नाम बिना सोनी शरीर, जब तक वो ऊर्जा गुरु आप में ट्रांसमिट नहीं करेगा तब तक आप जाग नहीं सकते हैं कभी भी। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटिन करे उपाय। इसलिए अगर आप देखें, महात्मा बुद्ध का कोई गुरु नहीं था, उन्होंने स्वानुभूति से कुछ चीजें अनुभव की। मैंने एक बात पहले कही, हमारे धर्म शास्त्र, इसलिए बौद्धिक सिद्धांत हमारी संस्कृति के थोड़ा अलग जा रहा है। अष्टांग योग में कहीं भी परमात्मा का जिक्र नहीं है, महात्मा बुद्ध ने आत्मा तक का जिक्र किया है। अगर आप आत्म स्वरूप में हैं केवल, तो वहां मन फिर विकार उत्पन्न कर सकता है, आप वहां सुरक्षित नहीं है। यहां साहब क्या कह रहे हैं, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक धर्माया ले आई। मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं सन्यासियों को भी देखता हूँ, बौद्ध भिक्षुओं को भी देखता हूँ, नाना मतपतांतरों के लोगों को भी देखता हूँ, उनके रहन सहन को देखता हूँ। तो रहन सहन शैली से पता चलता है कि भौतिकवाद में उनकी बड़ी रुचि है, बड़े स्टैंडर्ड के ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, जबकि एक सन्यासी को तो केवल पहनना चाहिए एक कोपिन। वो ऐसा क्यों कर रहा है सन्यासी? उस वो यूं कह रहा है, ऐसा मान रहा है आत्मा शीतोष्ण से परे है, ये तो एक मानना है। मैं आपको उदाहरण देता हूं,
मैं लद्दाख में कोट नहीं पहनता था, सच बता रहा हूं। मेरे साथियों ने कहा भैया यहां बहुत बड़े रोग होते हैं, हाथ पांव काटने पड़ते हैं, कभी कभी शून्य हो जाते हैं, चिलब्लिंग हो जाते हैं, बाकी रोग हो जाते हैं। लेकिन नहीं, दूसरी बात क्या होती थी मैं आपको सच बताता हूँ। मैं अपनी स्थिति में रहता था ना, वहाँ ड्यूटी होती थी। ड्यूटी क्या होती थी, दो दो घंटे की ड्यूटी। तो जैसे ठंड बहुत है, आदमी को अपने शरीर को गर्म करने में एक डेढ़ घंटा लग जाता था। कभी पाँव ठंडे ही ठंडे हो जाएंगे, जब पाँव ठंडे नींद नहीं आते, काफ़ी टफ एरिया है। तो संतरी को जगाना, संतरी जल्दी नहीं उठता था, दोबारा जगाना, जल्दी नहीं उठता था। मुझे एक आदमी ने कहा फलाना राम की ड्यूटी है आपके बाद भैया, उसने मुझे जगाया, आपकी दूसरी ड्यूटी है। मैं ठीक कहा ठीक है। उसने बोला तीसरी ड्यूटी फलाने आदमी की है, ये जागने में देर लगाता है, इसको आधा घंटा पहले जगाना। आलसी है बड़ा। तो मेरी क्या आदत थी, मैं जाकर मैं मन को यंत्रणा देता था बड़ी। मैं संतरी को जगाता था, वो जल्दी नहीं उठता था, कहा अच्छा आ रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से गर्म हुआ है स्लीपिंग बैग में। उस समय इतने संसाधन भी नहीं थे, वो बाहर निकलना जहमत मानता है, बाहर निकलना नरक मानता है। आप यहाँ बर्फ़ देख करके खुश होते हैं, आप सोचते हैं हाँ मौज ही मौज है, पर बर्फ़ जैसा नरक तो कहीं है ही नहीं है। बाहर निकलो 0 डिग्री से भी डाउन, 10-15 डिग्री नीचे, 20 डिग्री नीचे हाइट पर है तो 25 डिग्री नीचे तापमान है, वहाँ पर डिफिकल्ट लगता है। तो मैं क्या करता था, सच बताता हूँ, संतरी नहीं उठता था, मैं खड़ा हो जाता था, उसको नहीं जगाता था। मेरा मन बार बार कहता था उसको जगाओ, खींच कर जगाओ, मैं कहा नहीं ठीक है, भजन करता रहे, उसको सोने दी। जब मैं किसी को नहीं जगाता था तो सुबह मुझे वो संतरी कुछ कहते थे जो ड्यूटी पर होते थे, महाराज सो गए थे ना, हमें जगाया नहीं। मैं कहा ना भाई, मैं सोया नहीं था। फिर हमें क्यों नहीं जगाया, तुम उठे ही नहीं जब तुम्हें जगाया, उठे ही नहीं, मैं जगाया नहीं। बोला वाह महाराज गजब है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पर है तो सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। एक बार मैं झेलम एक्सप्रेस से आ रहा था, ये बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो इंसान केवल भौतिक सुख चाहता है वो परमार्थ कर ही नहीं सकता है। कभी भी किसी का भला करने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ता है। इतने में क्या हुआ, बड़ी पुरानी बात है ये, लगभग 47 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं उस समय डलहौजी में था, मेरी बटालियन, तो बबीना से एक ऑफिसर ट्रेन में चढ़ा, टीटी जब आया मेरे पास बैठा वो, टीटी ने कहा भाई टिकट दिखाओ, उसने वारंट दिखाया, वारंट तो मेरे पास भी था, रेलवे वारंट। मैं दूर से देख लिया मेजर फलाना फलाना, मैं जान गया ये आर्मी का है, मेजर है सिविल ड्रेस में। तो टीटी ने कहा भाई आपका रिजर्वेशन नहीं है। वो मुझे पहले क्या बोला मेजर साहब, बोला भाई जी मेरी सिंपलिटी देखी होगी, अगर टीटी वैसे मुझे कहेगा उतर जाओ, आप मुझे एकोमोडेट करना, बोलना कि मेरे साथ बैठे हैं, एतराज नहीं है, तो वो शायद मान जाए। मैंने कहा ठीक है। बात बात में मैंने फिर उनको कहा, अब मैंने उनको नहीं बताया मैं फौजी हूँ, बिल्कुल नहीं बताया। मैंने उनको कहा आप सेना में हैं, बोला हाँ, मैं तो वारंट देख लिया था। फिर मैंने पूछा आपकी रैंक क्या है, बोला मैं मेजर हूँ। मैंने बोला आप इतने ऊंचे पद पर हैं, आपने जर्नी करनी थी,
तो आपने पहले अपनी टिकट बुक कराना चाहिए था। उसने बोला, आप ठीक कह रहे हैं, सडनली मेरी माता की का देहांत हो गया, इसलिए मुझे जाना पड़ा। उस जमाने में रिजर्व कंपार्टमेंट कम होते थे, बड़े जर्नल में चलते थे लोग। ठीक है, मेरी सीट पर बैठा, मैं भी बैठा। जैसे थोड़ी रात हुई, वो पहले ऐसे आधा लेटा, धीरे धीरे लेट गया, फिर वो पांव पसारा, कंफर्ट खर्राटे भरने लगा। मेरा मन कह रहा है इसको उठाओ, मैंने कहा नींद अज्ञान है, सो रहा है, इसको सोने दो, तुम बैठे रहो। मन बड़ी लड़ाई करता है, मन के हारे हारे, मन ही के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाई है मन ही के प्रति। सुबह मैं बढ़ाई के लिए नहीं बढ़ा, सुबह मैंने कहा फौजी साहब उठ जाओ, सुबह हो गई अब। वो कहा, उसने देखा मैं कोने में दुबका हुआ बैठा था, ये आराम से टांग पसार कर सोया हुआ। बोला, वेरी सॉरी, रियल यू आर गॉड। मैं ये वृतांत ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं मैं गॉड, मैंने कभी नहीं बोला। दुनिया बकवास करती है कि ये कह रहा है मैं भगवान हूं, कभी नहीं बोला। मैं तो साहेब साहेब बोल रहा हूं, निंदक तो मशाले लगाकर बातचीत करता है। बोला, रियल यू आर गॉड। बोला, मैं पूरी रात ऐसे सो गया, मैं थका हुआ था बहुत, और आप मुझे उठाया भी नहीं। मैं कहा, नहीं तुम सोते रहो, तुम तो अज्ञान की नींद में सोए थे, मैं जागृत चेतन में था। कहने का मतलब है, कामी क्रोधी आलसी, इनसे भक्ति न होए। तो जब आप मन और आत्मा का विलग करना चाहेंगे तो आपके बस की बात नहीं है। ये साहब ऐसा नहीं बोले, बिना उस ताकत के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए नाम एक बहुत बड़ी ताकत है, गुरु आप में वो प्रेषित करता है। जब वो आप में आ जाती है तब इनसे फाइट कर सकते हो, नहीं तो नहीं। अब यहां पुष्टि दे रहे हैं साहब, मने निरंजन सबे नचाए, सबको नचाता है, पर नाम होए तो मात न भावे। आप देखिएगा, उसकी मदद के बिना आप नहीं चल सकेंगे। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेहू न पावत पारा। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आपके बैक में एक सपोर्ट है नाम के बाद, वही चीज मैं बोल रहा हूं, मैं वही चीज बोल रहा हूं। वो सपोर्ट आपको हर जगह मदद कर रही है, बड़ी आदर्श है, चेतन है। क्या आप उस सपोर्ट को, उस सहायक को नहीं जानते? जानते हो, पर आप व्याख्या और वर्णन नहीं कर पाएंगे। जैसे वर्णन करोगे तो गुड़ गोबर हो जाएगा। बस जैन जाना तय निकट है, रहा सकल घटपुर, बाड़ी गर्व गुमानते ताते पड़ गयो दूर। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहिब।